हेलो एवरीवन वी आर बैक विद अ न्यू चैप्टर दैट इज व्हाई डू वी फॉल फॉलोस ही बात है भाई जब देखो बीमार पड़ जाते हैं कभी जुखाम हो जाता है कभी सर्दी हो जाती है कभी हेडेक होता है कभी कुछ हो जाता है फिर हम बीमार क्यों पड़ते हैं ये तो पता होना चाहिए ना हमें तो बस हमें इस चैप्टर में यही पता करना है कि एक्चुअली कोई पर्सन बीमार क्यों पड़ जाता है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है इसका आंसर तो हम फाइंड आउट कर लेंगे लेकिन साथ ही साथ हमें कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो इस चैप्टर के अंदर कवर करने हैं इसका ओवरव्यू हम आज देखने वाले हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर स्टेप बाय स्टेप सो आई लव लविना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट शाला देखो हमारे बेसिकली बीमार पड़ने का रीजन पूरा क्लियरली तो हम जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से तब हम देखेंगे लेकिन एक बेसिक मीनिंग अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया हम बीमार क्यों पड़ते हैं तो कोई बोलेगा कि ठीक है हमारे आसपास में हम साफ़ सफाई नहीं रखते इसलिए हम बीमार पड़ जाते हैं या फिर हमने ऐसा कुछ खा लिया होता है जो कि कंटेमिनेटेड होता है तो वो हमें नहीं खाना चाहिए था दैट इज वाई हम बीमार पड़ सकते हैं बिल्कुल सही बात है या हो सकता है कि हम ज्यादा देर पानी के अंदर रुक गए बारिश के अंदर भीग गए इसलिए बीमार पड़ सकते हैं बिल्कुल पॉसिबल है बहुत सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं कई बार होता है कि हम धूप में घूम आते हैं बहुत ज्यादा और हमारा हेड होने लग जाता है वो भी क्यों होता है तो ये सारे फैक्टर्स हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं देखो वी फॉल इल बिकॉज वी लिव इन एरिया विद पॉल्यूटेड सराउंड एंड लेक ऑफ पर्सनल हाइजीन हम एक ऐसे एरिया के अंदर अगर रह रहे हैं जहां पर पर्सनल हाइजीन नहीं है एंड द सेकेंड थिंग सराउंडिंग जो है वो भी क्लियर नहीं है तो भी हम बीमार पड़ सकते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एडॉप्टन स्ट्रेटेजीज टू स्टे हेल्थी एंड प्रिवेंट डिजीज ऑब्वियसली वी हैव टू एडोप्ट सो मैनी लाइक स्ट्रेटजीज जिससे कि हम क्या कर सकते हैं हमारी डिजीज से हम प्रिवेंट हो सकते हैं डेट मीन्स कि हमें डिजीज ना हो हम धूप में नहीं घूमने जाएंगे हेड एक नहीं होगा हम साफ़ पानी पिएंगे हमें बीमारियां नहीं फैलेगी अच्छा खाना खाएंगे हेल्दी खाना खाएंगे हेल्दी रहेंगे खुश रहेंगे एक्सरसाइज करेंगे योगा करेंगे तो डेफिनेटली हम हेल्दी रहने वाले हैं हम बीमार नहीं पड़ने वाले हैं तो हम इस चैप्टर के अंदर सारे फैक्टर्स को देखेंगे कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर आप बीमार पड़ जाते हो तो आप उससे फिर कैसे सही हो सकते हो यानी उसका बचाव क्या है चलो देखो जो फर्स्ट टॉपिक हमें क्लियर करना है वो है हमारा हेल्थ एंड इट्स फेलियर हेल्थ क्या है बेसिकली अगर मैं हेल्थ के बारे में पूछूं तो सब लोग बोलेंगे हाँ हम तो हेल्दी है हमें कोई डिजीज नहीं है तो हम हेल्दी है लेकिन हेल्थ का मीनिंग सिर्फ इतना सा नहीं होता है हेल्थ का मीनिंग होता है कि आपकी फिजिकल हेल्थ और आपकी मेंटल हेल्थ दोनों ही सही होनी चाहिए यस yes, आपकी सोशल हेल्थ भी सही होनी चाहिए आसपास के लोगों के पास जाओ और किसी ने कुछ बोला और आप बिल्कुल परेशान से हो जाओ तो क्या होगा हमारे माइंड पे इफेक्ट पड़ेगा बिल्कुल पड़ेगा भाई तो हमें क्या करना है हमारी पर्सनल हेल्थ हमारी सोशल हेल्थ एंड हमारी मेंटल हेल्थ हमें इन तीनों पे वॉच रखनी है कि क्या ये तीनों सही है या फिर नहीं है और इस टॉपिक में हम देखेंगे हमारा हेल्थ का सिग्निफिकेंस क्या है कि हमारी हेल्थ जो है क्यों इंपॉर्टेंट है देन पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ पर्सनल इश्यूज जो होते हैं वो भी हमारी हेल्थ पे इफेक्ट डालते हैं एंड जो सोशल इश्यूज होते हैं यानी कम्युनिटी इश्यूज जो होते हैं वो भी हमारी हेल्थ पर किस तरह से इम्पैक्ट डालते हैं ये भी हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे नाउ द डिफरेंसेस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री यस अभी जो मैंने कहा आपको कि सिर्फ डिजीज फ्री होना हेल्दी नहीं है हेल्दी होना हेल्दी है अब हेल्दी कैसे रहेंगे तो वो तो आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा इसके आगे फिर हम पढ़ेंगे डिजीज के बारे में कि एक्चुअली जो है वो डिजीज होती क्या है तो अगर बेसिक मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं तो डिजीज का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर किसी डिसऑर्डर का होना कोई पर्टिकुलर डिसऑर्डर जो हमारी बॉडी के अंदर हो जाता है तो बस इसके होने को हम क्या कह देते हैं कि डिजीज है और उसके कॉजेस क्या होंगे ये भी हमको जानना है नहीं होता कई बार कि अगर आपका पेट दर्द कर रहा है तो डॉक्टर के पास जाने पर डॉक्टर हमसे पूछता है कि आपका पेट दर्द क्यों कर रहा है दैट मीन्स कि जब तक रीजन नहीं पता होगा उसकी मेडिसिन नहीं दे सकते उसके लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते हेड हो रहा है तो क्यों हो रहा है क्या आपको सिर पर चोट लगी है या फिर आप धूप पे घूम कर आए तो डिहाइड्रेशन हो गया या कोई और रीज़न है क्या आपको माइग्रेन तो नहीं है क्या आपको प्रीवियस कोई डिजीज तो नहीं है जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट हो रहा है तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं हमारे डिजीज होने के यानी कि हमारी बॉडी में किसी न किसी चीज़ का डिसऑर्डर होने के अब उनको भी हमें देखना है और उनके कॉजेज भी देखना है वट डज लुक लाइक डिजीज लुक लाइक डिजीज जो है वो दिखती कैसी है क्या वो एक चीज की तरह दिखती है तो नहीं चीज की तरह तो बिल्कुल नहीं दिखती है तो डिजीज कैसे दिखती है उसके अलावा डिजीज के टाइप क्या होते हैं अक्यूटीजी है तो है? कोई जो डिजीज जो शॉर्ट टाइम के लिए आई है या बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड तक रहेगी क्या वो लाइफ टाइम तक रहने वाली है या कुछ सालों तक रहने वाली है तो ये भी हम देखने वाले हैं बहरहाल देखेंगे क्रॉनिक डिजीज एंड पुअर हेल्थ अगर कोई डिजीज लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक आपके साथ रह रही है तो आपकी हेल्थ को भी वो इम्पैक्ट करेगी अब वो किस तरह से करेगी ये तो हमें इस चैप्टर के अंदर ही पता चलेगा इसके बाद हम देखेंगे कॉजेज ऑफ डिजीज कि भाई डिजीज का कॉज क्या है अभी हमने ये तो देख लिया कि हमारी बॉडी के अंदर ये डिजीज़ है और ये बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रहने वाली है इसकी वजह से हमारी हेल्थ पर ये ये ये, ये इम्पैक्ट होने वाला है लेकिन द मेन थिंग इज कि इसका रूट कॉज क्या है वी हैव टू नो कि हमारा रूट कॉज क्या है डिजीज का डिजीज कहाँ से आई है ये तो पता चलना चाहिए ना तो डिजीज का कॉज भी हम देखेंगे देन हम एक और टाइप का पढ़ेंगे इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉजेस इन्फेक्शियस कॉजेस भी हो सकते हैं नॉन इन्फेक्शियस कॉजेस भी हो सकते हैं एंड डिजीज के नाम भी होता है डिजीज भी इन्फेक्शियस हो सकती है एंड नॉन इन्फेक्शियस हो सकती है दैट मीन्स कि या तो वो होगी टच करने से फैल जाए पास में जाने से फैल जाए तब तो वो होगी इन्फेक्शियस डिजीज और अगर पास जाने से नहीं फैलेगी तो वो होगी इन नॉन इन्फेक्शियस डिजीज अब किसी को हेडेक है और आप पास में चले जाओ तो क्या आपको भी हेडेक हो जाएगा नहीं होगा लेकिन अगर किसी को खांसी जुकाम है तो आप पास में अगर चले जाए तो उसके वायरस आपकी बॉडी में भी चले जाएंगे और आपको भी सर्दी जुकाम हो जाएगा यानी कि दोनों डिजीज के अंदर डिफरेंस तो है जो डिजीज़ फैल रही है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ होगी और जो डिजीज़ नहीं फैल रही है वो होगी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में कि इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर ऐसा कौन था जिसने आपको ये डिजीज दे दी यानी कि इन्फेक्शियस एजेंट्स कौन कौन से हैं कौन कौन है ऐसे जो कि ये डिजीज को फैलाने वाले हैं तो इन्फेक्शन एजेंट कौन कौन से होंगे एंड देन हम देखेंगे मीन्स ऑफ स्प्रेड यानी कि उन एजेंट्स ने आपको वो डिजीज तो दी लेकिन किसके थ्रू दी ऐसा तो नहीं खुद आके देखे गया या किसी और रीजन के थ्रू आया या हवा से आए या पानी से आए तो कोई रीजन तो होना चाहिए कोई एक ऐसा मीन्स होना चाहिए जिसकी वजह से वो डिजीज जो है वो स्प्रेड हो जाएगी तो मीन्स ऑफ स्प्रेड भी होना चाहिए देन हम देखेंगे ऑर्गेन ऑर्गेन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन यानी कि कोई डिजीज है ठीक है उसका जो वायरस है उसका जो प्रोटोजोआ है या उसका जो बैक्टीरिया है वो क्या आपके किसी ऑर्गेन को टारगेट कर रहा है या वो आपके किसी टिश्यू को टारगेट कर रहा है ये भी हम जानेंगे यानी कि ऐसी कोई डिजीज जो आपकी किसी ऑर्गेन को टारगेट कर रही है या अगर वो आपके टिश्यू को टारगेट कर रही है तो वो किस तरह से टारगेट कर रही है कैसे वो आपकी बॉडी बौ के अंदर इन टिश्यूज को इम्पैक्ट कर सकती है कि नेगेटिव इफेक्ट होगा या कैसा इफेक्ट होगा ये सारी चीजें हम इस टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं आफ्टर दैट जब हमें पता चल गया है कि ठीक है ये सारी डिजीज है इस तरह, इस तरह से फैलती है देन हमको ये पढ़ना है कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है यानी कि अगर हमें ट्रीटमेंट लेना है तो क्या हम मेडिकल स्टोर पर जाए और डायरेक्टली मेडिसिन उठा के वहां से ले आए तो नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है हमें हमें जाना है सबसे पहले डॉक्टर के पास में यानी कि हमारा प्रॉपर ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके और खुद के डॉक्टर खुद तो बिल्कुल भी नहीं बनना है देन हमको पढ़ना है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन कि डिजीज हो उससे पहले हम ऐसे क्या करें कि हमें वो डिजीज हो ही ना ठीक है डिजीज होने के बाद तो हमें ट्रीटमेंट लेना ही है लेकिन ऐसे भी तो कॉन्सेप्ट होंगे ना जिसकी वजह से हमें वो डिजीज हो ही नहीं तो कुछ ऐसी प्रैक्टिस जिसकी वजह से हम डिजीज से बच सकते हैं तो उनको भी हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है देन फिर हम आते हैं हमारे इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन पे यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो किस तरह से वर्क करता है एंड वैक्सीनेशन का सिग्निफिकेंस क्या होता है यू नो वेरी वेल कि सबको बचपन में टीके तो जरूर लगे होंगे बिल्कुल लगे होंगे हर एक चीज का टीका लगता है पोलियो का तो हमने बहुत अच्छे से सुना है हमने टाइफाइड का भी सुना है टिटनेस का सुना है बहुत सारे टीके होते हैं अब ये जो वैक्सीनेशन होता है कोविड का सुना होगा भाई कोविड के तो लिए भी है सबने वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस का भी हम वैक्सीनेशन लेते हैं तो ये वैक्सीनेशन वर्क कैसे करता है और आपने ये भी देखा है कि इंजेक्शन लगने के बाद में यानी वैक्सीनेशन होने के बाद में हमें फीवर आता है या हमारी तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाती है तो ऐसा क्यों होता है क्या रीजन है इसका एंड वैक्सीनेशन के बाद में हमें वो डिजीज क्यों नहीं हो पाती है ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग से पॉइंट्स है ताकि इसके बाद आप डिजीज से बच सकते हैं सो so, बिल्कुल इस चैप्टर को देखना तो नहीं भूलना है और बिल्कुल स्किप नहीं करना है और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है थैंक यू सो मच